गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6, जिसका नाम है वचन। इसे हम इंग्लिश में नंबर भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं वचन। पहले चित्र में हम देख सकते हैं जैसे लड़का लड़के, पतंग पतंगे, पैसा पैसे, केला केले, बल्ला बल्ले, तितली तितलियां। तो बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों के नाम जैसे लड़का पैसा बल्ला पतंग केला तथा तितली शब्दों से इनकी संख्या एक होने का बोध हो रहा है। जबकि लड़के पैसे बल्ले पतंगे केले तथा तितलियां शब्दों से इनकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से संख्या में एक तथा अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। यह वचन की परिभाषा है। आइए पढ़ते हैं वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं, जैसे एकवचन तथा बहुवचन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एकवचन। जिस शब्द से संख्या का एक होना पाया जाता है, उसे एकवचन कहते हैं। जैसे माला घोड़ा बच्चा तलवार आदि। बहुवचन जिस शब्द से संख्या का अनेक होना पाया जाता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे मालाएं घोड़े बच्चे तलवारें आदि। आइए अब कुछ विशेष बातें पढ़ते हैं जो कि हमारे वचन से संबंधित है। जैसे अपने से बड़ों सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्तियों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे पिताजी बाजार गए हैं, दादाजी सैर कर रहे हैं। तो इन दोनों ही उदाहरणों में हमने देखा कि यहाँ पर पिताजी तथा दादाजी के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है। आइए अब पढ़ते हैं कुछ एकवचन तथा उनके बहुवचन शब्दों को। जैसे तोता तोते, चूहा चूहे, कुत्ता कुत्ते, पिल्ला पिल्ले, घोड़ा घोड़े, गधा गधे, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, बूढ़ा बूढ़े, पर्दा पर्दे, बस्ता बस्ते, पत्ता पत्ते, पैसा पैसे, रुपया रुपए, बात बातें, रात रातें, चीज चीजें, कील कीले, लात लातें, किताब किताबें, आँख आँखें, चादर चादरें, बहन बहने, पुस्तक पुस्तकें, कली कलियां, गली गलियां, मक्खी मक्खियां, नदी नदियां, सब्जी सब्जियां, बकरी बकरियां, राखी राखियां तथा थाली थालियां, बुढ़िया बुढ़िया, पुड़िया पुड़िया, बिटिया बिटिया, खटिया खटिया, माला मालाएं, कन्या कन्याएं, बाला बालाएं तथा लता लताएं। आइए अब दोहरा लें कुछ मुख्य बातों को जिन्हें हमने इस पाठ में पढ़ा। जैसे एक या अनेक को
बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद हैं, एकवचन तथा बहुवचन। एकवचन से एक तथा बहुवचन से अनेक का बोध होता है और अपने से बड़ों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।